पास थोड़ा सा देर हो गई, 7:10 हो गए ऋषिकेश से निकलने में। ऐसा कोई काम भी नहीं था आज, मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो अपलोड करने आया था। पता नहीं क्या चक्कर है, जो S24 अल्ट्रा वाले वीडियो है ना, ये बिल्कुल अपलोड नहीं होते वहां से, जंगल से। जो स्टोरी चैनल है उसके तो हो जाते हैं। वो उसका रीजन भी है कि वो 4K में नहीं बनाता मैं, हालांकि OnePlus 10 Pro में 4K में बनते थे, पहले वाले वीडियो तो 4K में ही थे, लेकिन जो स्टोरी के वीडियो बनाता जानबूझ के मैं 4K में नहीं बनाता। मैंने आपको पहले बताया कि वो मैं एडिट खुद नहीं करता, अपनी टीम से कराता हूँ, तो उसके लिए मुझे टेलीग्राम पे भेजना पड़ता है टीम को, फिर वहाँ से वो एडिट करके मुझे भेजती, तो उसके लिए हैवी फाइल नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसकी तो अल्ट्रा HD में बनती है, और ये कितनी कोशिश करो, पूरी रात पूरी दिन लगा के रखो, लेकिन होती ही नहीं, और बाद में लिख के आता है कि अपलोड फेल्ड, और ऋषिकेश आना पड़ता है, तो हर 2 दिन में चक्कर लगता है। आज के लिए वीडियो नहीं था, तो यहीं से आज वो वीडियो आपको मिल चुका है अभी, लेकिन वो यहीं से अपलोड किया, यहीं से पब्लिश किया, एक वीडियो और एडिट करके लाया, तो थोड़ी सी एडिटिंग भी रह गई थी यहीं गाड़ी में बैठ के करीब, तो क्योंकि एडिटिंग भी क्या होता है ना, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिलने आ जाते हैं जो दिन में, तो वर्क शेड्यूल मेरा इतना टाइट है कि आप समझ लो कि 2 चैनल चलाना, वो भी डेली बेसिस पे। अगर आप यूट्यूबर है तो आप समझ सकते हो, अगर आप सब्सक्राइबर हो तो शायद उतना नहीं समझोगे आप। यूट्यूबर तो समझ सकता है कि एक वीडियो रोज डालना, और वो भी 20-25 मिनट की दोनों में। अब तो स्टोरी चैनल में भी मैंने टाइम लेंथ बढ़ा दी है, बहुत मुश्किल काम होता है। और एक वीडियो तो मैं खुद एडिट भी करता हूँ मेन विवेक अवस्थी चैनल का, दूसरे का अगर मैं टीम से नहीं कराता तो शायद ये वीडियो डेली आ भी नहीं पाते। लेकिन डेली शूट करना बहुत बड़ा काम है, उसमें अगर कोई मिलने आ जाता है तो थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हो जाता है। तो वही हुआ, एक सज्जन मिलने आ गए थे गाज़ियाबाद से, बड़े ही प्यार से मुलाकात हुई, क्योंकि बच्चे को भी लेके आए थे, बच्चा भी उनका मेरा फ़ैन था, तो फिर थोड़ा सा बच गया था, तो फिर मैं ऋषिकेश में गाड़ी में बैठ के एडिटिंग करी, हो गए अपलोड दोनों। तो अब मिलेंगे भाई साहब हाथी जी, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कई लोग अभी आज मैं कमेंट पढ़ रहा था वहीं गाड़ी में बैठ गई, जो अभी मैंने वीडियो पब्लिश किया है ना, तो उसमें कुछ लोगों ने लिखा था कि हाथी आपसे बचता है कि आप हाथी से बचते हो, पता नहीं अच्छे कमेंट होते। एक ने किसी ने मजाक में लिखा था, नाम मैं भूल गया हूँ, शायद हरदीप ऐसा कुछ नाम है, अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले ही, मैंने भी मजाक में जवाब दिया है, उन्होंने बोला आप हाथी से इतना डरते क्यों, अगर हाथी पीछे पड़ जाए फर्स्ट गियर में डाल के ये भगा दो गाड़ी, और अगर सामने है तो रिवर्स गियर में भगा दो। तो मैंने पूछा भाई साहब फर्स्ट गियर में कितनी स्पीड रखनी है, और क्या रिवर्स गियर में 250 ग्राम कम कर सकते हैं स्पीड को। मैंने मजाक में किया, क्योंकि बुरा मत मानना भाई साहब, हरदीप भाई साहब, जिस हाथी के बारे में बोल रहा हूँ कि जिस स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हो ना, मैं वहां का प्रिंसिपल रह चुका हूँ, और हाथी से डरता वही है जो हाथी के इलाके में रहता है, जो हाथी से दूर रहता है ना, उसके लिए तो हाथी मेरे साथी होता है। और जितने गांव वाले ये कौड़िया से लेके विंध्यवासिनी तक, मैं तो सबसे रोज मिलता हूँ, एक एक गाड़ी वाला इस सीजन में यही बोल के चलता है कि हाथी ना मिल जाए, क्योंकि उसे मालूम है कि हाथी क्या कर सकता है। इन्होंने वो घटनाएं देखी अपनी आंखों से, एक घटना हुई थी जिसमें कि इंसान को बटोरना पड़ा था, यही कौड़िया के पास की बात है, किसी ने मुझे बताई है, चादर में समेटे गए थे बॉडी के टुकड़े। हाथी जब मारता है ना, तो ये कहावत है कि इंसान को उठाना नहीं पड़ता, बटोरना पड़ता है, चिथड़े उड़ा देता है, पहचान में नहीं आता कि ये आदमी था। ये तो हो गया जब आप आदमी को मारता है, और जब गाड़ी भी तोड़ता है, तो रिसेंटली आपने देखा जाम्बिया में 80 साल की एक लेडी की जान चली गई, क्योंकि हाथी ने गाड़ी पलट दी। तो हाथी के साथ मजाक कभी नहीं, हाथी को आप हमेशा सीरियसली लो, पूरी वाइल्ड लाइफ को सीरियसली लो। अभी तक तो बात मजाक में थी, आपने भी शायद मजाक में लिखा होगा और मैंने भी जवाब मजाक में दिया, लेकिन जो अब मैं आपको बात बता रहा हूँ ये सीरियस है। केवल हाथी नहीं, हर जानवर को आप सीरियसली लो, मजाक जानवर के साथ कभी मत करना, बंदर के साथ भी नहीं, वो काट लेगा आपको, रेबीज हो जाएगा, और रेबीज का कोई इलाज नहीं है, और उसको एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं लगा हुआ है। तो कई सारे लोग रील बनाने के लिए मैं देखता हूँ बंदर को चाटा मार देते हैं,
भाई साहब एक रील अगर उसका दांत लग गया और उसको रैबीज हुआ, आपकी जिंदगी की कहानी बदल देगी। तो जानवर वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल सीरियसली लो हमेशा, मजाक कभी नहीं। हाँ, देख के एंजॉय करो, सब एंजॉय करने की चीज़ है, ऐसा किसी को नुकसान ऐसे थोड़ी ना रोज किसी को रैबीज हो जाता है, लेकिन हो भी जाता है। इसलिए कभी भी, और हाथी जैसे भारी भरकम जानवर को, टाइगर को भी मजाक में नहीं लेना। अगर मैं बोलता हूँ ना हम ना डरते टाइगर से, तो भैया वो डरने का मतलब इतना ही है कि हम उसके इलाके में चले जाते हैं, ये है, उससे पंगे नहीं लेते हम। जहाँ आवाज़ सुनती है, आपने मेरे जितने वीडियो देखे होंगे, चाहे टाइगर की दहाड़ हमारी दौड़, आवाज़ सुन के मैं पतली गली से सभ्यता के साथ निकल गया, ना तो शोर मचाया ना अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटा कि अगर मेरे दोस्त थे तो उनको आगे चलाया सुनील जी को, मैं पीछे चला, क्योंकि मुझे मालूम था कि टाइगर पीछे से हमला करता है, क्योंकि दोस्ती बड़ी चीज़ है और जिम्मेदारी बड़ी चीज़ है। तो मैं पागलों की तरह चिल्ला के नहीं भागा, बिना आवाज़ किए चुपचाप वहाँ से निकल आया। अगर टाइगर की झलक हमारी दौड़ है तो जब मुझे लगा तो फिर वहाँ से फौरन निकल आया। अगर वो लेपर्ड की वीडियो बनाने गया, बीच में झाड़ी थी साइड में गया, तभी वो चार्जिंग मोड में आ गया, तो मैं भागा नहीं वहाँ से, ना ही मैं चिल्लाया, ना कोई हरकत करी, ना कुछ किया, वो अपना समझ गया, चुपचाप चला गया। तो वाइल्ड लाइफ को रेस्पेक्ट दो, सम्मान दो, मैं हमेशा देता हूँ। लेकिन अभी आप देखो कि आज कितना ट्रैफिक है, ये टूरिस्ट का ट्रैफिक नहीं दोस्तों, शादियों का ट्रैफिक है। आज खर मास कल ख़त्म हुआ है, आज इतनी शादियाँ हैं, मुझे तो लग रहा है मैं जब जंगल में जाऊंगा ना, वहाँ भी मुझे बहुत गाड़ियाँ मिलने वाली हैं। आज हाथी वाथी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैं आया था ना इतनी, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम से गाड़ी वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करते चला था, मुझे भगाने का कोई शौक नहीं है। अभी एक वीडियो में मैंने किसी को लिफ्ट भी दी थी, मतलब दिखाया नहीं था वो, मतलब उनकी गाड़ी लग रही थी नीचे ना, पाँच लोग थे, तो उन्होंने कहा भैया मैं बैठा लो, तो फिर उतनी देर मैंने वीडियो नहीं शूट किया था, लेकिन वो उतनी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई थी भैया मैं बैठा लो। तो उनसे मैंने कहा भैया जो आपका जो गाड़ी चला रहा है कौन है, मैंने इतनी तेज़ क्यों चला रहा है वो स्पीड से, एक तो गाड़ी छोटी i10 वगैरह कोई गाड़ी थी, मैंने कहा इतनी तेज़ क्यों भगा रहा है। बोला बार बार समझा के मना कर दिया, मान ही नहीं रहा है। मैंने कहा मतलब किसको दिखा रहा है, फिर बीच में एक बार हमें ओवरटेक करने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा ये ना नया नया जो शौक होता है ना गाड़ी चलाने का, दिखाना होता है, देखो मैं गाड़ी तेज चला सकता हूँ, ये वो हरकतें हैं। मैंने कहा उसमें गाड़ी का नाश भी कर दोगे, वो किसको दिखा रहे हो कि तुम तेज चला सकते हो। तो वो ही बोले हम दोबारा समझाएंगे उसको। मैंने कहा यार जंगल में आयो आराम से गाड़ी चलाओ, क्योंकि थोड़ी देर में तो आप पहुंच जाओगे सड़क पे, वहां तो आपको गाड़ियों का ट्रैफिक मिलने वाला है, तो जितनी देर के लिए जंगल है उसको इंजॉय करो। तो उनकी समझ में आई, बोले हाँ नहीं, अभी हम उसको डांटते हैं। मैंने आराम से धीमी स्पीड में चला के जाओ, इधर देखो उधर देखो। तो आज भी मुझे कुछ लोग मिले जो बार बार ओवरटेक कर रहे थे, तो मैं तो भैया सबको साइड दे देता हूँ, निकल जाओ, मुझे शांति से जीने दो। और शांति किसी हथनी का नाम नहीं है। मजाक कैसा लगा मेरा मजाक, ये मैं इसलिए बोल देता हूँ ना बाद में, कैसा लगा मेरा मजाक, कि मैं ह्यूमर मारता हूँ, बहुतों को समझ में ही नहीं आता, फिर मुझे वो क्लैरिफाई करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, इसलिए मैं बोल देता हूँ भैया कि मुझे मालूम है मैंने मजाक किया। तो आप देख रहे हो बम्पर टू बम्पर गाड़ी ये नहर के किनारे आ गया, लेकिन ये तो निकल जाएंगी, ये सब हरिद्वार की तरफ जा रही है, लखनऊ की गाड़ी है आगे। लेकिन शादी की जो गाड़ी गई थी, हालांकि शादी वाली गाड़ी मुझे अभी नहीं मिलेंगी, अभी शाम के 7:10 हो रहे हैं, शादी वाली गाड़ियां लौटेंगी लेट नाइट। लेकिन उत्तराखंड में तो शादी दिन में होती है, शायद शादी दिन में होती है, इसका मतलब वो जो गाड़ियां मिली थी क्या वो लौट रही थी, ये भी हो सकता है। तब तो फिर गाड़ियां नहीं मिलेंगी, ये भी हो सकता है कि वो गाड़ियां शादी से लौट रही हों। तो भाई साहब हाथी को लेके जो आपने बोला मजाक में बोला, मैंने भी सीरियसली नहीं लिया, आप भी मेरी बात को सीरियसली मत लेना, दिल पे मत लेना। स्पीड हम 250 ग्राम ज्यादा ही रखेंगे, कोई टेंशन नहीं। हाथी डरने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल सच है, हाथी बहुत फ़ायदे की चीज़ है, जंगल में हाथी ना हो तो बहुत। और हाथी भी जितने, चलो भी ये निकल जाए ट्रैफिक, जंगल में जाएंगे तब इसी पॉइंट पे आज बात करेंगे, अपने को तो नाइट ड्राइव में बातें करनी है। तो एक बार जंगल में पहुंच जाऊं, तब मिलते हैं ब्रेक के बाद।
तो दोस्तों अब आ गए जंगल के अंदर, विंडो खोली हुई है ताकि आवाज सुनाई दे, लेकिन जो अपनी ज्ञान की बातें हैं ना वो अभी नहीं की जाएंगी, अभी अपने ध्यान की बातें होंगी, ध्यान रखना है। पहली एलिफेंट क्रॉसिंग गई, एक ये पहली नहीं, हाँ ये थी, इस जगह पे वन गुजरों की गाड़ी तोड़ी थी हाथियों ने बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले। मारुति 800 थी, हाथी सामने से आया, वो जो कि जंगल के निवासी हैं, वन गुजर जंगल में रहते थे, बच्चे बैठे थे कार में, हाथी आया वो पेड़ पे चढ़ गए, बच्चे सीट के नीचे छिप गए, हाथी ने छोड़ दिया थोड़ी सी गाड़ी तोड़ी। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे उन्होंने बोला ना कि हाथी आए तो आप स्पीड तेज करके भाग जाओ। देखो इसी जगह पे मुझे एक बार हाथी मिला है और टस्कर था वो भी सद्दाम, और मैं गाड़ी बैक करके निकल गया था। जब दूर से दिख जाए तो कोई बात ही नहीं है, और वो भागा नहीं, मतलब शराफत के साथ निकल गया था, मेरे पीछे भी एक गाड़ी आ रही है। अब ये कंडीशन बड़ी ख़राब हो जाती दोस्तों, जब आपके पीछे गाड़ी होती है ना तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से रिवर्स नहीं कर सकते, और सामने आप होते हो। अगर आगे गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं हाथी के मामले में, क्योंकि अगर पीछे से दौड़ाएगा तो आप फ्रंट में भाग रहे हो, फ्रंट में भागने में कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है रिवर्स में भागने में। मैं इसको साइड दे देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये गाड़ी मुझे दुखी करेगी। निकल जा भाई निकल जा, अरे निकल ना भाई, तू क्या सोच रहा कि मैं आगे चलता रहूँगा। ये भाई साहब चाह रहे थे कि मैं आगे ही चलूँ। ये भी एक एलिफेंट क्रॉसिंग है जो बने हैं, और ये दोस्तों जो क्रॉसिंग बनी है ना इसके बारे में बताऊंगा, अभी निकल जाऊं जंगल के बारे में। एक बात याद आ गई मुझे, मैं बताऊंगा, ये बहुत फायदे की चीज होती है क्रॉसिंग। गाड़ी धूल उड़ा के गई है लेकिन फिर भी मैं विंडो बंद नहीं कर रहा, हालांकि फ्रंट तो क्लियर हो गया। अब आगे गाड़ी चल रही है, इसका मतलब 99% सेफ हो गया, 1% तो कभी भी सेफ नहीं होता। उस दिन देखो ना, मेरी गाड़ी निकली और निकलने के 4-5 सेकंड बाद ही विंडो बंद ही कर लूँ, यार ये तो बहुत धूल उड़ा रही है, जीना मुश्किल कर देगा। ये सबसे बड़ी वाली एलिफेंट क्रॉसिंग इस पेड़ के पास में है। तो ये जो दोस्तों, अब क्योंकि गाड़ी सामने चल रही है तो उतना ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो एलिफेंट क्रॉसिंग है दोस्तों, ये हाथी बनाता नहीं है, अपने आप बन जाती है क्योंकि वो यहाँ से निकलता है, लेकिन अनजाने में ही जो हाथी जंगल का भला कर देता है, इसकी वजह से दूसरे जानवरों को झाड़ियों के अंदर से जाने का रास्ता मिल जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, सूरज की रोशनी नीचे पहुंचनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो रास्ता बन गया, तो वहां पे उस एरिया में घास पनपने लगती है। ये देखिए गाड़ियां आ रही है, मैंने कहा था ना शादी की गाड़ियां हैं तो आ रही हैं, बहुत सारी जा भी रही हैं आ भी रही हैं। आज ये शादी की ही गाड़ी है, ये देखिए फूल वूल लगे हुए। तो क्या बता रहा था, कि सूरज की रोशनी नीचे पहुंच जाती है तो नीचे घास पनप लगती है, और घास बहुत ही अच्छी चीज है, और ये लैंटाना बहुत बुरी चीज है, 99% बुरी चीज है। 1% एडवांटेज क्या है कि लैंटाना पेन रिलीफ का काम करती है, जो काम आयोडीन करती है वो लैंटाना भी करती है उसकी पत्तियां, और ये जलती भी नहीं है। एक थोड़ा बहुत फायदा है, थोड़ी सी मेडिसिनल वैल्यू है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान है। और लैंटाना का तो ये है दोस्तों कि इसको एक सफ़ेद कीड़ा खाता है जो इसको नुकसान पहुंचा देता है, इसका तना ख़त्म कर देता है, लेकिन ये इतना जहर छोड़ देती है इसके अंदर, खुद तो मरती है, वो सफ़ेद कीड़े को भी मार के मरती है, तो वो सफ़ेद कीड़ा दूसरी लैंटाना को नुकसान पहुंचाने लायक रह नहीं जाता। तो इसका जो दुश्मन है, दुश्मन को भी मार के ही मरती है लैंटाना। तो चलो लैंटाना का हमारा टॉपिक नहीं है। तो हाथी जब वो ये क्रॉसिंग वाले रास्ते बनाता है, तो पहला मैंने बताया कि दूसरे जानवरों को चलने का रास्ता मिल जाता है लैंटाना के बीच से,
जहाँ उसको कांटे लगने वाले थे, उसकी स्किन डैमेज होने वाली थी, डियर के एंटलर्स फंसने वाले थे वो। कई बार डियर मर जाता है, सींग फंस जाते हैं, वो हाथी की वजह से बच जाता है, उसको बढ़िया स्मूथ रास्ता मिल जाता है। जंगली सुअर को भी रास्ता मिल जाता है, डियर को, टाइगर को, सबको मिल जाता है। रोशनी की किरणें आती हैं तो नीचे की घास पनपती है और वो डियर को खाने के काम में आती है, वाइल्ड लाइफ पनपती है। इस क्रॉसिंग से तीसरा एक और वो होता है, वो ये होता है आग रुकती है। जो फायर लाइन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बनाते हैं वो फायर लाइन ये हाथी बना देता है चल के, ये एलिफेंट क्रॉसिंग जो बन जाती है जहां जहां। अच्छा, हाथी का एक ही रास्ता होता है, जो हर्ड चलेगा ना दोस्तों तो उसका एक पाथवे बना होता है, और जो टस्कर है वो कहीं से भी घुस जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब जिस रास्ते में हाथी चलते हैं वहां पे एक बड़ा रास्ता होगा। ये देखिए गाड़ी पे गाड़ी, अब ये भाई साहब क्यों रुक गए, मुझे साइड देना चाहते हैं, क्या चक्कर है भाई, हाथी है क्या? नहीं, ये लगता है हाथी के इलाके का ड्राइवर नहीं है, इसलिए ये पहले भी हॉर्न देके मुझे निकालना चाह रहा था, अभी भी चाह रहा है, ये आगे चलने में डर रहा है, और या फिर खास हाथी के इलाके का हो तो भी डर रहा होगा। हाथी के इलाके के लोग जो है हाथी से बहुत डरते हैं। तो ये जो एक एलिफेंट क्रॉसिंग से तीन फायदे तो मैंने अभी गिना दिए आपको, एक तो फायर लाइन आग को रोक देगी वो, और क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो जंगल की आग होती है ना बहुत बड़ी आग नहीं होती, एक फुट या दो फीट होती है, तो जब ये हाथी चलता है तो तीन चार फीट का रास्ता बना देता है, तो उतने में आगे स्प्रेड नहीं हो पाती, उसकी लपटें बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती, तो इधर भी झाड़ी है उधर भी झाड़ी है, लेकिन बीच में जो गैप आ गया आग रुक जाती है। दूसरा फायदा मैंने बहुत बार बताया कि हाथी दुनिया भर के बीज खाता है, और वो बीज एक जगह खा के ड्रॉपिंग से दूसरी जगह फैलाता है, तो वो मान लीजिए प्लांट आज यहां लगा है, हो सकता है हाथी 2 किलोमीटर दूर जाके ड्रॉपिंग करेगा, तो 2 किलोमीटर दूर तक जो बीज पहुंच नहीं सकता था वो पहुंच गया। अब आप बोलोगे कि डियर भी तो खाता है, डियर नीचे वाले खाता है, हाथी ऊपर वाले खाता है, जो पेड़ के ऊपर लगे होते हैं वहां तक डियर पहुंच नहीं सकता, जिराफ यहाँ पे होता नहीं है, अपनी सूंड उठा उठा के ऊपर वाले खा लेता है, तो वो ऊपर वालों को फैसिलिटी दे देता है। दूसरी बात, एक बात मैंने बताई थी कि बहुत सारे बीज जिनका कि शेल मजबूत होता है, जब वो हाथी के पेट में रहते हैं एंजाइम्स के संपर्क में आते हैं तो शेल कमजोर हो जाता है, और जब वो जमीन में गिरते हैं तो उनमें अंकुरण हो जाता है, वैसे शायद नहीं होता। तो ये हो गया बीज में। एक और बात मैंने बताई थी दोस्तों आपको कुछ दिन पहले कि हाथी का जो गोबर होता है, डंग होता है, वो मच्छर भगाने के काम में आता है, लोकल्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें आग लगा दो तो मच्छर भाग जाते हैं उस दिन के लिए। गाय के गोबर से जो काम हल्के रूप में होता है, इससे भारी रूप में होता है, और हाथी का गोबर ना तो कोई बदबू वाला है, क्योंकि वो खाता ही बिल्कुल जड़ी बूटी टाइप के पौधे हैं, दूसरी बात वो टहनियां भी चबा जाता है, उसके दांत जो आपको टस्कर, टस्कर का मतलब टस्क यानी हाथी दांत, जो बाहर दिखाने वाले दांत दिखते हैं, जो कि मेल में बड़े होते हैं फीमेल में छोटे होते हैं, टचेस बोलते हैं, उनका काम सिर्फ मारने मुरने का काम है, चबाने का नहीं है, उठाने का काम है, हथियार के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन जो हाथी के चबाने वाले दांत होते हैं दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए, 26 दांत होते हैं मुंह में, और 26 दांत होते हैं, और जिंदगी, क्योंकि 70-80 साल की जो जिंदगी है ना, देखिए गाड़ियां पे गाड़ियां, मैं अपना एक ज्योतिष का ऑफिस खोल लूं क्या, पंडित विवेक अवस्थी ज्योतिष, ज्योतिषाचार्य। तो जो क्या यार, इतना भूलता हूं मैं, क्या बनूंगा ज्योतिषी, मुझसे ना हो पाएगा, बताओ यही भूल गया क्या बोल। हाँ, हाथी के दांत 26 दांत होते हैं, जैसे हमारे 32 दांत होते हैं ना, और हमारे आते हैं दो बार, एक बार बचपन में दूध के दांत और एक बार, और बस दोबारा नहीं आते। हाथी का चबाने का और मोटी मोटी डाल चबाने का है तो भगवान ने फैसिलिटी दी है कि 6 बार दांत आते हैं पूरी लाइफ में, लास्ट में जो दांत आते हैं फिर जब वो खराब हो जाते हैं, हाथी बूढ़ा हो जाता है, तभी वो तालाब के किनारे जाता है नरम नरम घास खाने, और उसी तालाब या नदी के किनारे नदी में धस जाता है, और उसी को बोलते हैं एलिफेंट ग्रेवयार्ड।
जो कि होती नहीं है। लोगों को लगता है कि एलिफेंट ग्रेवयार्ड है, हाथी यहाँ पे मरने आते हैं, हाथी अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की वजह से पानी के पास जाते हैं। तो हाँ, हाथी की खाद वाली बात चल रही थी कि जो उसका गोबर होता है तो हाथी ने डाल भी चबाई होती है। दांत की बात यहाँ से आई थी कि वो सिर्फ पत्ते नहीं खाता, उसके साथ की टहनियाँ भी खा जाता है। वो टहनियाँ भी दांत पीस देते हैं और वो गोबर में होती है, जो कि गाय के गोबर में नहीं होती है। गाय के गोबर में तो पत्तियां ही होती हैं, इसमें टहनियां भी होती हैं पिसी हुई भूसे के रूप में। तो जैसे किसी पेड़ में वैल्यू होगी अगर मान लीजिए मच्छर भगाने की, तो जैसे मान लीजिए नीम है, नीम हाथी खाता है कि नहीं खाता मुझे नहीं पता, लेकिन बबूल, तो जैसे नीम से दातून करते हैं वैसे बबूल में भी वैसी प्रॉपर्टीज होती है, लोग बबूल से भी दातून करते हैं। आपने देखा है टूथपेस्ट का नाम भी बबूल होता है, लेकिन नीम की दातून तो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो इसी तरह से बहुत सारे पेड़ होंगे जो मुझे नहीं मालूम, जिनमें के अंदर मच्छर भगाने की प्रॉपर्टीज होंगी और हाथी उन्हें चबा खा जाता है, तो इसलिए हाथी के गोबर से मच्छर भागते हैं। लेकिन हाथी का गोबर उपजाऊ बहुत होता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सिर्फ मच्छर भगाने की प्रॉपर्टीज नहीं होती, उसके अंदर जमीन को फर्टाइल बनाने की प्रॉपर्टीज भी होती है। तो जब हाथी जाता है यहाँ से वहाँ गोबर करता है तो वो खाद डालता है, बहुत ही हाई वैल्यू की खाद। तो हाथी जब उसने फल खाया, उसका बीज डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको अपने पेट के अंदर पचा के बीज के इस लायक बनाया कि वो पेड़ उग सके, उसके बाद में रास्ता बनाया, फायर लाइन बनाई, जंगल में नीचे धूप पहुँचाई, जंगली जानवरों के लिए रास्ता बनाया, गोबर भी किया तो खाद करी, तो हाथी बोलेगा भाई बच्चे की जान लोगे क्या, और कितना करूं मैं। ये भी दूल्हे राजा की गाड़ी थी। और इसके बाद एक और काम भी करता है, खाने पीने का इंतजाम कर दिया, हवा का कर दिया, पानी का नहीं किया ना, पानी का इंतजाम भी हाथी करता है। हाथी पानी को सूंघ सकता है, कई किलोमीटर दूर से पानी को सूंघ सकता है। पानी को दोस्तों आप भी सूंघ सकते हो, कैसे, जबकि पानी की प्रॉपर्टीज अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो ना उसमें कोई गंध होता है, ना कोई उसमें कोई स्वाद होता है ना, और ना कोई उसमें रंग होता है ना, गंधहीन स्वादहीन रंगहीन। लेकिन जब बारिश होती, पहली बारिश होती है, तो उसकी स्मेल आप नहीं पहचान लेते, जिसको बोलते हैं ना मिट्टी की सौंधी सौंधी स्मेल, तो पानी में तो स्मेल है नहीं, तो वो कैसे सूंघेगा हाथी, वो उस नमी को सूंघ लेता है और उस मिट्टी की स्मेल को सूंघ लेता है जो पानी की वजह से गीली होके मिट्टी स्मेल करती है। तो हाथी उस दिशा में चला जाता है, उस डायरेक्शन में चला जाता है जहां पानी होता है। अब जब वो वहां पहुंचता है तो कई बार वो पानी के पॉइंट सूख गए होते हैं ऊपर से, लेकिन नीचे पानी होता है। जैसे जहां जिस टेरेन पे हम चल रहे हैं, यहाँ कहीं पे भी आप खोदोगे ये सूखा है, थोड़ी दूर पे नदी चल रही है, लेकिन यहाँ भी आप गड्ढा करोगे पानी आ जाएगा। और मैंने कई बार अपने वीडियो में दिखाया भी है, क्योंकि नदी में बहता पानी लोग पीने के लिए ठीक नहीं मानते, तो क्या करते हैं उसके बगल में गड्ढा खोदते हैं और वो पानी जो निकलता है उसको पीते हैं, क्योंकि वो फिल्टर्ड पानी होता है। तो चलो यहाँ तो बगल में बह रहा है, लेकिन हाथी सूंघ लेता है कि भाई यहाँ सूख गया, लेकिन नीचे से उसको नमी की स्मेल आ रही होती है, तो उस जगह वो अपने टस्क से, पैरों से और सूंड से गड्ढा खोदता है, पानी निकाल के पीता है, लेकिन वो उस गड्ढे को छोड़ जाता है। तो बाद में उस गड्ढे से डियर, टाइगर, लेपर्ड, वाइल्ड बोर जितने जानवर हैं सब पानी पीते हैं। तो जिस एरिया में पानी की कमी हो गई थी, हाथी वहां कुएं खोद के दे देता है अपने लोगों को, भले ही कुआं उसने अपने लिए खोदा था, लेकिन हाथी के अंदर यह है कि वो खुद के लिए कुछ भी करे उससे फायदा दूसरों को होगा। यानी कि हाथी सिर्फ बड़े शरीर वाला नहीं है, बड़े दिल वाला है, और एक बात याद रखना, बड़े दांत वाला भी है। ज्यादा करीब मत चले जाना, दूरी बना के रखना, देखो मगर प्यार से और देखो मगर दूर से। अभी भी हाथी का इलाका चल रहा है, क्योंकि गाड़ियां इतनी हैं, टेंशन नहीं है, सामने खड़ा नहीं है, दाएं बाएं से इतनी जोर से आएगा नहीं, विंडो हमने खोली हुई है,
आएगा तो आवाज सुनाई देगी। एक जोक है कि एक आदमी गाड़ी बैक कर रहा था तो वो दूसरा बोल रहा था आन दो आन दो आन दो आन दो, तो बोला और जान, ड्राइवर पूछा और जान, तो बोला आन दो आन दो, टक्कर होगी तो आवाज आएगी। बोला अच्छा टक्कर होगी तो मैं खुद मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई ये ड्राइवर यहाँ का नहीं है, ये जिस तरीके से इधर मुड़ता है उधर मुड़ता है ना, मैं तभी समझ गया था कि ये अभी देखो इधर घुसा जा रहा था, ये लोकल नहीं है। अब इस गाड़ी से अभी बोतल फेंकी है, शादी की गाड़ी है, शादी में दारू बहुत चलती है यहाँ पे, लेकिन अभी इनको ज्ञान देने जाऊंगा ना तो मुझे ही समझा देंगे सारे दारू पिए हुए कि तुम्हें ज्यादा पता है हम शादी में भी ना पिए। लेकिन वही है, चलो बोतल तो नहीं खाएगा जानवर लेकिन स्मेल आएगी। और आपको बता दूं कि हाथी दारू पीते हैं, कच्ची भट्टी जहां बनती है ना, लोग गांव में जो बना रहे थे महुआ से शराब बनाते हैं, हाथी स्मेल सूंघ के पहुंच जाते हैं और धावा बोल देते हैं और पी जाते हैं पूरी, और फिर झूमते झूमते चलते हैं। उन्हें शराब बहुत पसंद है लेकिन उन्हें शराब पिया वो आदमी नहीं पसंद। अगर शराब की स्मेल आएगी ना, और ये मैं विद प्रूफ बता रहा हूँ आपको, जब मैं दुधवा गया था तो जो गंगा कली जो एक हाथी थी, हथिनी थी, जिसके कि टस्क भी थे, मतलब उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा था, तो उसके बच्चा नहीं हुआ था, उसके दांत बड़े बड़े थे, बिल्कुल टस्कर लगती थी। तो उसके महावत ने बताया था कि अगर दारू पी के इसके पास कोई चला गया फौरन उठा के फेंक देती है सूंड से। तो हाथी को दारू पिए हुए आदमी की स्मेल नहीं पसंद, हाँ दारू पीना खुद पसंद है। कई सारी अफवाहें चल जाती हैं, जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ, दारू की बात से बता रहा हूँ कि एक बहुत एक लेपर्ड का वीडियो होता है जो कि मध्य प्रदेश के देवास का था, वो इंडिया के हर स्टेट का बना के चल दिया, और उसमें मैंने वीडियो बनाया था, थोड़ा कुछ डिटेल्स बताए थे। लोग बोलते हैं झूठ बोल रहे हो, ये वहाँ का है, दारू की भट्टू से दारू पानी समझ के दारू पी लिया था इसलिए, जबकि उसको कैनाइन डिस्टेंपर की बीमारी थी। तो सोशल मीडिया में क्या होता है ना, कोई भी कुछ लिख देता है और आदमी उस पर यकीन कर लेता है, और उस उन आदमियों में मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी आदमी ही हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं किसी को बता रहा था कि लेपर्ड की प्रॉब्लम डिस्कस हो रही थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने बताया कि ग्रेटर नोएडा में भी टाइगर देखा गया, क्योंकि मुझे मैंने एक वीडियो देखा था टाइगर बैठा दिख रहा है, और तो मैंने मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ कि मैंने बोला था कि 5 साल के अंदर टाइगर भी दिल्ली में आएगा, लेपर्ड तो कब के आ गए, टाइगर भी मैंने तुक्का नहीं मारा था, मैंने सरिस्का नेशनल पार्क से अरावली हिल्स का कनेक्शन बनाया था कि वहां से आएंगे, और वो अरावली हिल्स नोएडा भी आती है फरीदाबाद भी आती, मतलब फरीदाबाद आती वहीं से नोएडा का टच हो जाता है, वहीं से ग्रेटर नोएडा का भी है। तो मुझे लगा कि सरिस्का से आ गया होगा टाइगर, कोई आश्चर्य नहीं है दिल्ली में टाइगर का आ जाना, और आएगा विद इन 5 ईयर्स, या जब मैं 1 साल पहले बोला था 4 ईयर्स के अंदर आएगा टाइगर दिल्ली में, और वही रूट फॉलो करेगा। अरे बापरे एकदम भाई साहब, हाथी निकला पेड़ से एकदम से झाड़ी से निकला, सन हुई, मैंने विंडो खोली थी, देखो ये हो जाता है, अभी नहीं रुकना, एकदम झाड़ी से सरसराहट जैसे हाथी निकलता है ना वैसी आवाज आई मेरे लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे विंडो के वहां से। अब ये भाई साहब रुक, खैर अब तो यहां तक नहीं आएगा, ट्रम्पेट साउंड नहीं आई, तो जो हरदीप जी ने कहा था मैंने वही कर दिया, मुड़ के भी नहीं देखा, लेकिन वो झाड़ी का इस टाइम पे मतलब ही नहीं कि कुछ और आवाज आए, इस टाइम पे इतनी जोर से झाड़ी की ऐसी आवाज आई, पता नहीं मैं कैमरे में सुनूंगा इसमें रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि लेफ्ट वाली विंडो भी पूरी खुली है और राइट वाली भी, मैंने तेजी से एक्सीलेटर दबा दिया क्योंकि वहां रुकने का मतलब ही नहीं था। अब मैं देखता हूँ झाड़ी की आवाज आई कि नहीं आई, बिल्कुल साफ साफ आवाज आई है। हाँ क्या बता रहा था, हाँ दारू वाली बात बताई, तो वो बाद में मालूम चला जिनसे मेरी चैट हो रही थी, उन्होंने बताया कि
वो सॉफ्ट टॉय था, मतलब किसी ने अपना वीडियो वायरल करने के लिए टाइगर का सॉफ्ट टॉय नहीं मिलता, बड़े 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 टाइगर के शेप के ही होते हैं, तो वो रख दिया और वहां वीडियो बना के वो कर दिया। या किसी और ने रख दिया होगा, दूसरे ने वीडियो बनाया हो, लेकिन इस बात के चांसेस तो कम ही है क्योंकि दूर कहीं रखा होगा, झाड़ी में दिखेगा नहीं। वो वीडियो मैंने देखा था, बिल्कुल टाइगर जैसे ही लग रहा था बैठा हुआ, तो वो सॉफ्ट टॉय था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम भी उस वीडियो को देख के निकली, 3-4 घंटे ढूंढने के बाद मालूम चला कि वो टाइगर नहीं था, सॉफ्ट टॉय था। तो ऐसी बातें वायरल हो जाती हैं। तो वैसे ही दारू पीने की बात हो गई, अब कोई बोल देता यार ऐसा ही। एक वीडियो था महाराष्ट्र का, मेरे पास किसी ने फॉरवर्ड किया जबलपुर का बोल के, तो मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाया जबलपुर का बोल के, बाद में मालूम चला कि भैया वो तो चंद्रपुर महाराष्ट्र का था। तो ऐसा हो जाता है, लेकिन अभी जो हुआ ना, ये कुछ गड़बड़ हुआ एकदम से, जो झाड़ी से ऐसी आवाज आई ना, बड़ा भारी भरकम निकलने की जो है। अब मैं सबसे पहले तो ये देखना चाहूंगा कि आवाज आई है कि नहीं आई कैमरे में। तो चलिए दोस्तों, जंगली रिजॉर्ट के नजदीक आ गया, 1 किलोमीटर दूर है रिजॉर्ट। अभी मेरी स्पीड थोड़ी तेज ही चल रही है, तो मैं धीमी कर लूं, बहुत दूर आ गया, तब से मैंने बहुत तेज कर दी थी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।